अदरेणुमभिक्ष्णस यासाम हरिकथद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् भक्ताभिन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सबसे पहले मैं पति पावन परम आराध्यतम श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करे परम गुरुनाम है श्री गुरुदेव का श्री पाद पद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हुए उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णव वृंद का श्री चरण में प्रणत होकर उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवत कथा श्रवण पिपासु दामोदर व्रत पालनकारी भक्त वृंदों को मैं यथा यज्ञ विवादन करता हूँ। सबको की प्रसन्नता प्रार्थना कर आज नरोत्तम ठाकुर का तिरोहर तिथि है। पंचांग में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। आविर्भाव माघी पूर्णिमा में है। हम लोग का एक विचार से नरोत्तम परिवार कहते नरोत्तम रूप मंजरी का अधीन चंपक मंजरी है। इसलिए रूपमंजरी रूप गोस्वामी का जो प्रेम वही प्रदान करने के लिए हमारा परम गुरु जी आए थे। डायरेक्ट संबंध है रत्न ठाकुर से। हम लोग हर रोज गुरु परंपरा में याद करते कृष्णदास कबीर राज गोस्वामी उसका बंदा रत्न ठाकुर विश्वनाथ बलदेव विद्याभूषण ये जो हम लोग करते हैं हर रोज। नरोत्तम ठाकुर का आविर्भाव तिरुभाव वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव तिथि में व्यवस्था है उनको याद करना। याद से ही सब कुछ मिल जाएगा। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण
तिरस्मरण है विघ्न विनाश, अजिरता है निज अभीष्ट पुत्र। बट बाय रिमेम्बरिंग ओनली वी कैन गेट एवरीथिंग। वी कैन रिमेम्बर वैष्णव हाउस डेली। Sarvashram used to remember daily thousands of Vaishnavas, making prostrate obeisances to them, teaching us that if you want to have progress in bhakti, you should pray the grace of the Vaishnavas. Remembrance, by remembrance you can remove all ulterior desires and get the highest object. प्रेम सब कुछ मिल जाएगा और उनकी कृपा प्रार्थना करना। वैष्णव कृपा जही सर्वसिद्धि, वैष्णव की कृपा से तमाम सिद्धियाँ। वैष्णव गुणगान जीवर करीले जीवर त्राण, वैष्णव का महात्म कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते। भगवान किसको कहते हैं? जो भक्त में भक्तिमान है। भक्त किसको कहते? भगवान में भक्तिमान। इसलिए भक्तों के ऊपर भगवान का बहुत प्यार है, प्यार प्रीति है। भक्त का महात्म कीर्तन से भगवान प्रसन्न हो जाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसमें मुश्किल यही है, डिफिकल्टी इज दिस, we cannot remember Vaishnavas, their transcendental forms, their transcendental pastimes by our material mind. That is the difficulty. By our material mind we cannot remember. By remembrance you will get everything, but very difficult to remember. Impossible by this material mind to remember. Impossible. And we cannot also pray grace, kripa prarthana karo, bol diya ho gaya. How to pray grace we do not know. Hum log kripa prarthana karne ke liye bhi darte hain, idhar udhar ki cheez mangta hai. Nahi, yahan par ek bhatinda mein शायद कोई जैन धर्मशाला है, वहाँ पर दो मंजिल में बाबा बैठा था, वहाँ पर होता था जैन धर्मशाला है ना, सलियाना उत्सव। तो आते हैं प्रणाम करते, एक माता जी वहाँ बैठी है, जाता ही नहीं। क्या बात है, बहुत पूछने का बात कहते हैं। स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ। क्या दुख है? शादी तो हुआ है, अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ, इसे मैं दुखू? आप ऐसा कुछ बोल दीजिए जिससे मेरा बच्चा हो जाए। तो साधु का पद आया बच्चा के लिए। हाँ, अरे बच्चा तो होगा, जबरदस्ती बच्चा देने से सुविधा नहीं है। जो बच्चा नहीं दिया तो भगवान कहते वही कृष्ण को बच्चा रूप से प्यार, गोपाल आपको मौका मिल गया। और नाशवान बच्चा का क्या जरूरत है? ये सब कमरा लेके हम लोग जाते हैं भगवान का पास, भक्त का पास। इसलिए कृपा प्रार्थना करते हैं। वास्तव कृपा प्रार्थना करने के लिए मेरा मापिक आदमी का हिम्मत नहीं है, कोई कमरा लेके जाते। बहुत रेयरली टू बी फाउंड। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, आई ऑल्सो वन समथिंग नेम डेम एंड अदर थिंग्स इन दैट डिजायर। हाउ कृष्ण विल कम टू मी? कृष्ण इज डिसाइडिंग विद इन हार्ट, हमारा भीतर में बैठा है। हम क्या चिंता कर रहा है वो पहले ही समझ लेते। उनको नहीं
छिपा के कोई चिंता हम नहीं कर सकता है, इसलिए चिंता का माफी फल देगा अकॉर्डिंग टू द थॉट नॉट व्हाट वर्ड्स यू आर से यू विल नॉट गेट द फ्रूट लाइक फ्रॉम लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग गेट। इसलिए वो प्रकृपा प्रार्थना करना भी मुश्किल है, और भगवान वो तो निर्गुण है अप्राकृत है, भगवान का भक्त भी अप्राकृत है, प्रकृति का अतीत है, उनका महात्म कैसे वर्णन करें। ये बद्ध जीव उनका महात्म वर्णन करना ही मुश्किल है। वैष्णव गुणगान गुणले जीवित्राग तो बोल दिया, तो वैष्णव तो अप्राकृत है, उनको गुणगान यही जो हमारा ज्वर जीवा है, अब ज्वर मन है बुद्धि है, उससे क्या वर्णन करेगा, उल्टा पलटा बोलेगा। इसलिए वो भी उनकी कृपा चाहिए, वैष्णव का गुणगान कीर्तन करने के लिए ही वैष्णव की कृपा चाहिए, वैष्णव की कृपा प्रार्थना करने के लिए वैष्णव की कृपा चाहिए, वैष्णव को याद के लिए भी वैष्णव की कृपा चाहिए। और तो उपाय नहीं है अभी, तब भी चेष्टा करने से वैष्णव का कृपा होता है। नरोत्तम ठाकुर का आविर्भाव हुआ माघी पूर्णिमा में, रूप मंजरी का अनुगत चंपक मंजरी है, माघी पूर्णिमा आविर्भाव हुआ ये राजशाही जिला में खेतुरी धाम, खेतुरी धाम में वहाँ पर राजा कृष्णानंद दत्त और नारायणी देवी को आश्रय करके प्रकट हुआ। अभी माघी पूर्णिमा महायुक्त पूर्णिया जो कलियुग का प्रारंभ है, माघी पूर्णिमा में आविर्भाव और कार्तिक पूर्णिमा में है जो अभी जो है तिरधाम, ये पूर्णिमा नहीं है, एटा ये तो है पंचमी तिथि, पंचमी तिथि में तिरधाम, कार्तिक पूर्णिमा में संसार त्याग, श्रावण पूर्णिमा में लोकनाथ विश्वमिश्र दीक्षा, सब पूर्णिमा। अभी नरोत्तम ठाकुर ऐसे तो बाहर में देखता दिखलाई पड़ता है, वो तो दत्तकुल में आया, लेकिन वैष्णव श्रेष्ठ है, वैष्णव है सबका श्रेष्ठ है, वैष्णव में जाति बुद्धि नारो की सब। इसलिए जन्म को निरर्थक जाना ही थे, छोड़ से जन्म आईला जब अनुकूल, जन्मकुल निरर्थक है भगवान जानने के लिए, एक बात शिक्षा देने के लिए भगवान स्वयं ही जो इतने महापुरुष जो पहले दफे जब तो संन्यास लेके नित्यानंदपुर ले आया शांतिपुर में, दूसरा दफे जब शांतिपुर से वृंदावन तक जा रहा है कन्हैया नरसला बिहार में आए, वहाँ पर जब आया वहाँ पर नरोत्तम नरोत्तम पुकारा, नरोत्तम ठाकुर तो तब जन्म ही नहीं हुआ, नरोत्तम ठाकुर तो उनका बहुत प्रिय है चंपक मंजरी है, तो नरोत्तम नरोत्तम पुकारने से सबका आश्चर्य हो गया। नित्यानंद प्रभु सबको ये बात जैसे सब समझे, जैसे नित्यानंद प्रभु पूछा अब नरोत्तम बोल के किसको पूछा, ये नित्यानंद प्रभु भी सब जानते हैं तो पूछा, तब कहते हैं कि देखो नरोत्तम आएगा यहाँ पर, अभी नहीं बाद में प्रकट होगा, लेकिन उसके लिए मैं पद्मा नदी में तो मैं जो सन्यास लिया तो मेरे लिए बहुत हुआ,
वही प्रेम वही नरोत्तम को देने के लिए पद्दा नदी को हम बोल के रख दिया। पद्दा तो नदी है, नदी ये तो जड़ पदार्थ है। ए वैदिक कृष्ण वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैदिक कल्चर, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द वेदस, एट द बैक ऑफ एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। हमारा शरीर का भीतर में चेतन जब रहेगा शरीर रहेगा, चेतन चला जाएगा शरीर नहीं रहेगा। ये बिल्डिंग का पीछे में जब ये चेतन व्यक्ति रहे बिल्डिंग रहेगा, जब भीतर व्यक्ति चला जाएगा तो 500-7000 गिर जाएगा, ये नहीं रहेगा। सूर्य है देखने में जड़ पदार्थ, सूर्य देवता है उसको रक्षा करने, गंगा देवी है मकर बाही उनके पीछे में देवी है, इसे पद्दा नदी के पद्मावती देवी है, 10 दिशा का पूजा होता है वहां पर देवता है। वेस्टर्न कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एट द बैक एवरीथिंग एट द बैक इज स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, अदरवाइज इट विल इट कैनॉट बी मेंटेन्ड और सस्टेन्ड। इसलिए कोई पद्मावती का पास रख दिया। तो जब जन्म हुआ अभिभव का बाद ही गौ नित्यानंद का प्रेम से महापुरुष जो जितना गुण है नरोत्तम ठाकुर में प्रकाश पार्षद है तो, लेकिन आया तो राधा कृष्ण दत्त का लेकर, उनका जो भाई है पुरुषोत्तम दत्त, कोई ज्येष्ठ कहते कोई कनिष्ठ कहते, और उनका लड़का है संतोष दत्त। अभी जब वो 12 साल का उम्र हुआ नित्यानंद प्रभु उनको सपन में बोल दिया, तुम इतना रोता है किस लिए, तुम्हारे लिए गौरंग महाप्रभु प्रेम राख दिया। वो स्थान का नाम है कुतुबपुर, जहाँ पर गया जो उनका स्थान पर नहीं गया, हमारे गुरु जी का आविर्भाव स्थान, वो भी वही पद्म नदी का किनारे पर है। तो वही प्रेमतली बाद में नाम हुआ प्रेमतली, जो प्रेम बोला पहले नाम था कुतुबपुर, वहाँ पर पद्म नदी में स्नान करने से मिल जाएगा। पद्म नदी महापुरुष से पूछा था कि हमारा यहाँ पर स्नान जो करेगा वो उसको प्रेम देना, ऐसा है नरोत्तम, नरोत्तम कैसे मैं पहचानूंगी, कितना आदमी हजारों आदमी स्नान करते हैं, नरोत्तम स्नान करने से तुम्हारा पानी उछल उठेगा, तुम समझोगे। अच्छा ठीक है, तो नरोत्तम को सपन में बोल दिया नित्यानंद को, ये तुम्हारा चिंता की बात नहीं, तुम किस लिए इतना उतारा, तुम्हारे लिए पहले महापुरुष ठीक करके रख दिया, तुम्हारे लिए प्रेम रख दिया वहां पर, वहां जाके स्नान करने से मिलेगा। छप्पन देख के चला गया वहां जाके, जब नदी में स्नान किया तो पानी उछल उठा, तब पद्मा नदी पद्मावती देवी मूर्ति धारण करके कहते हैं ये महापुरुष आपके लिए प्रेम देने के लिए कहा, ये आपको दिया आप लीजिए। वो प्रेम देने के बाद उनको सूरत बदल गया, एकदम कृष्ण कृष्ण बोले, उनका राज्य ये दुनिया का हाय ये भाव चला गया, और कृष्ण कृष्ण बोले रो रो के निकाल गया। राजा का लड़का है साथ में कुछ सेवक ले लो, खाना ले लो, रुपया ले लो, रुपया भी नहीं खाना भी नहीं सेवक भी नहीं कुछ भी नहीं, कृष्ण कृष्ण बोल के वृंदावन का तरफ जा रहा है, रो रो के जा रहा है।
रात दिन चल रहा है, चलते चलते अभी 2 दिन चल गया, खाया नहीं पिया नहीं और कृष्ण नाम कर देते, पैर के नीचे में फुंसी हो गया, चल नहीं सकता है। एक बार एक जगह पे जाके गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तो गौरंग महाप्रभु ब्राह्मण रूप से वहां पर आए, एक लोटा दूध दिया, तुम दूध खाओ। दूध खाने की उनमें योग्यता नहीं है। तब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अंतर्धान किया, रूप सनातन वहां पर प्रकट हो गए। अभी भी प्रकट हो सकता है, नरोत्तम ठाकुर भी प्रकट हो सकता है, लेकिन उस प्रकार योग्यता होना चाहिए ना। वो लोग नित्य है, नित्य पार्षद जो कि स्थान पर उनका प्रकाश हो सकता है। प्रकट हो गया, उनके शरीर में हाथ दे दिया, हाथ दे के उनको दूध पिला दिया, उनके शरीर में शक्ति आ गया, जीवनी आ गया। फिर अंतर्धान हुआ, फिर चलने लगा, योगक्षेमं वहम वहम। कौन दिया? दूध पिला दिया, खिला दिया, कौन दिया? इसलिए वो करते करते वो भगवान को पुकारते 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 वृंदावन जाके पहुंच गया। राजा का लेकर चिंता कीजिए, हम लोग तो पहले ही व्रत परिक्रमा होगा, नवधाम परिक्रमा होगा पुरी में, हमारे लिए जगह ठीक रखना, अच्छा कमरा होना चाहिए, अच्छा टट्टी रखे ऐसा है, थोड़ा फैन रहे वैसा, कितना कुछ बोलते। अच्छा होने से तो ठीक है, नहीं होने से ऐसा है। लेकिन यहाँ पर राजा का लड़का साथ में पैसा भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, ये साधारण कोई आदमी कर सकता है? इसलिए सोचना चाहिए, ये तो जन्म लिया लेकिन आश्रम में भगवान का पार्षद है, भगवान के विरह से जा रहा है। वहाँ पर जाके अभी लोकनाथ गोस्वामी है, लोकनाथ गोस्वामी वो भूगर्भ गोस्वामी को लेके पहले महापुर के आज्ञा से पहले वृंदावन में आया, वहाँ पर रहते थे। तो अभी लोकनाथ गोस्वामी तीव्र वैराग्य के साथ भजन करते, किसी को शिष्य नहीं करते। ऐसा शिष्य करने से ही शिष्य का चिंता करना पड़ेगा, अंधकार वो उसमें हम नहीं है। लेकिन नरोत्तम ठाकुर की इच्छा वो उनसे मंत्र लेंगे, उनको पास किया नहीं, मैं किसी को मंत्र नहीं देता। तो क्या किया, कहाँ पर वहाँ पर जंगल में जाते थे टट्टी करने के लिए, अब तो ऐसा व्यवस्था नहीं था, अभी तो शहर बन गया, अंडरग्राउंड सीवरेज भी हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हम लोग भी जंगल में जाके जगह देख किया ऐसा था, और कोई साधारण जो टट्टी है ऐसा है मैथर ले जाते हैं, इस प्रकार था। तो और उसका पहले जहाँ वृंदावन में भ्रमण किया सब जगह में जंगल में जाके, अभी तो बिल्डिंग में रहने पड़ता है, टट्टी होना चाहिए होना चाहिए, कितना कुछ उस वक्त नहीं। तो अभी वही नरोत्तम ठाकुर देखा लोकनाथ गोस्वामी कहाँ जाते हैं, जहाँ जाते हैं रात मध्य रात्रि में जाके वो जगह को एकदम साफ करके रख दिया, जितने जो आदमी जाते हैं इतना टट्टी करते साफ कर देते, कोई एक बू भी नहीं रहा, और अच्छा मिट्टी और वो एक कोरा पर रख दिया, मिट्टी रख दिया, अलग जगह से झाड़ू रख दिया, सब रख दिया, कोना रख दिया वो अच्छा माटी हाथ को। उसके बाद
रघुनाथ गोस्वामी आगे देखता है, अरे तो एकदम सुंदर है, कोई भूल है कुछ भी नहीं है, ये क्या बात है, कभी तो ऐसा देखा नहीं, ये भौतिक है ना, क्या बात है। तो वहाँ पर देखा मट्टी भी अच्छा है, तो किया करके दर्शन भजन करने के लिए चला गया। जो आते देखते थे हर रोज साफ है, बात क्या है। एक दिन हम तो पेड़ का नीचे में बैठ के भजन करते हैं, यहाँ का नीचे को बैठ के भजन करेंगे, देखेंगे कौन है, ये कौन कर रहा है, क्या बात है, थोड़ा देख लेंगे कोई आता है कि नहीं कोई। तो वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे हैं, मध्य रात्रि में नरोत्तम ठाकुर, वो राजा का लड़का है, वो सब साफ कर रहा है, साफ कर रहा है, देख के कौन है कौन, भय हो गया, कौन ये गंदा काम कर रहा है। भाई राजा का लड़का हो गया ऐसा कर रहा है, इसलिए कर मेरा ये काम करना ठीक नहीं, तो पैर में गिरेगा आपकी कृपा, रोने लगा। तब उनका सेवा से संतुष्ट होकर उनको ही मंत्र दिया। हमारा परम गुरु जी भी ऐसे ही है, गोकृष्णधर बाबा जी महाराज, वो भी बहुत वैराग्य के साथ भजन करते थे, टूटा हुआ किश्त के नीचे में बैठ के हर वक्त दिन रात, कभी गंगा का पानी पी लिया, कभी मिट्टी खा लिया, कभी माधुकरी मिला उसका थोड़ा वो गंगा में फेंक के कुछ खा लिया, ऐसा इस प्रकार। तो उनसे मंत्र लेंगे, कहते माए किसी को मंत्र नहीं, लेकिन उनका पास जाके प्रार्थना करने लगे, नहीं बहुत दफे उनको इनकार कर दिया, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, 13 दफे ऐसा। उसका बाद में कहा जी देखिए मैं चैतन्य महाप्रभु को उनके पास पूछूंगा, वो जो ये देगा तब होगा। फिर आया आप पूछा भूल गया, हम लोग का माफी होने से, वो बहुत गुरु है, ये उनका हमारा जरूरत नहीं है, हम दूसरा गुरु का पास जाके ले लेंगे, मेरा मन एक आदमी होने से गुस्सा हो जाता है, ठीक है मंत्र लेना है ना, कितना गुरु है, लेकिन हमारा प्रभुपद छोड़ा नहीं। फिर आया, पूछा हाँ पूछा, क्या बोला कि आपका माफी दाम्भिक व्यक्ति को मंत्र नहीं देना, घमंडी वाला व्यक्ति को मंत्र नहीं देना। तब एकदम कला हो गया वहाँ पर। उसका बाद क्या किया, जिनको पाए छोड़े से एकदम अभिशाप देते रहे, सर्वनाश दूर में रहते, कोई आके पैर छोड़ नहीं सकते, पैर का धूल नहीं सकते, वो अपना पैर का धूल हाथ में लेके गुरुपद का अंग में दे दिया। तो भी यज्ञ हो महापुरुष का प्रेम धर्म प्रचार में शक्ति संचार कर उनको मंत्र दिया, एक व्यक्ति सारा दुनिया को हिला दिया, हजार लाखों आदमी का कोई जरूरत नहीं हुआ। नरोत्तम ठाकुर भी ऐसे ठाकुर उपाधि, जीव गोस्वामी जब सब उत्कल और गौरी और वृंदावन मथुरा का जितना पंडित है उसका प्रधान था, वो जब सनातन चला गया तो जीव गोस्वामी प्रधान आचार्य, उन्होंने नरोत्तम को ठाकुर, श्रीनिवास का आचार्य और दुखी कृष्णदास को श्यामानंद उपाधि, उपाधि का मतलब नाम प्रदान किया। नाम प्रदान करके हम लोग का जो किताब है किताब थोड़ा पढ़ लीजिए, लेकिन हम लोग को चिंता करना चाहिए, आज गुरु है ना,
इसलिए थोड़ा चंचल नहीं होना, भाग तो है ही, गुरु है नरोत्तम ठाकुर, उनको थोड़ा याद करना चाहिए, थोड़ा तो समय लगेगा ही, बहुत उनका है, बात है। तो अभी वही नरोत्तम ठाकुर उनको और श्रीवासाचार्य श्यामानंद प्रभु तीनों को गोस्वामी का ग्रंथ सब ताल पत्र में लिखा होता था, ऐसे छपा तब नहीं था, वो पटारी दे दिया, वो लेके बंगाल में भेज दिया। आओ लोकनाथ गोस्वामी का भी एक हुकुम हुआ, लोकनाथ गोस्वामी जब सेवा करते नरोत्तम ठाकुर, बाहर का मेहमान आते ना, आइए आइए बैठे बैठे ऐसे, तुम देखा लोकनाथ गोस्वामी, नहीं तो लाजा का लड़का है, तुम्हारा तो बहुत काम है, ठीक है तुम अभी वहाँ जाओ क्षेत्र में जाओ, उधर में जाके विग्रह प्रतिष्ठा करो करो, वहाँ जाओ वहाँ रहो। असल में उद्देश्य है उधार वजह से उसका जीवों का उद्धार हो जाए, लेकिन उनको वहाँ पर भेज दिया, उधर चला जाओ। जो रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं हरिनाम करने से सब कोई कहीं का सेवा हो जाता है, और आड़ करके ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन तब भी नरोत्तम ठाकुर को जानते हैं जे भगवान का गोस्वामी का अधीन मंजूरी है, इसलिए उनको भेजा जो है वहाँ जाके विग्रह प्रतिष्ठा करने के लिए हुक्म दिया, और श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी उनको याद करा दिया। अभी वही जोगोस्वामी का हुकुम से वहाँ जा दिया, शराब भर पहरा दिया, इसलिए कोई चोर डाकू कितना होता, मुसलमान का राज था उस वक्त, डर था, शराब जागरण करके दिन रात जागरण करके लेके जाओ, वन विष्णुपुर में पहुँचा, वीर हम वीर राजा थे हिंदू, ओ हिंदू राजा यहाँ आया, यहाँ कोई चिंता नहीं है, यहाँ पर हम लोग विश्राम लेंगे, वहाँ पर आके वो लोग थोड़ा विश्राम किया, एकदम नींद हो गया। वो वीर हम भी राजा तो है, दिन में राजा है और शाम को भागवत पाठ भी सुनता है और रात को डकैती करता है, डकैत का सरदार है उनके साथ में, तो अभी उनको बोल दिया जैसे जो ज्योतिषी है बोल दिया, बहुत धन आ रहा है, बहुत धन आ रहा है, तुम लोग धन को लूट के ले आओ, ठीक है देवी का पूजा करना पड़ेगा, देवी का पूजा करके तो देवी की इच्छा होने से तब तो देवी का पूजा किया, पूजा करने के बाद वो लोग डकैत लोग देखा एक बहुत बड़ा पटरा है, आज ये लोग सब नींद में आए, वो हम लोग का कुछ पाप करने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा, मार के लेंगे तो क्या है, ऐसे ही नींद में आए उसके पटरा को तो वहाँ से उठा के ले गया, उनका मालूम ही नहीं, लेके एकदम यही धन मिल गया, तो आ गया हम देखा ही, खुल के देखा है किताब है अच्छा रख दो, लेकिन किताब का भी प्रभाव होता है, तो वही ये किताब है ना उसका भी प्रभाव वहाँ पर लिखा, वो देखने से भी पवित्रता भाव आते, राख दिया। सुबह उठ के देखा कहाँ गया, मिलता नहीं, तब सब रोने लगा, और ये जिंदगी ये जीवन रखने का क्या जरूरत है, ए, हम लोग को ऊपर जिम्मा दिया, हम लोग आराम करने के लिए सो गया, दे गया छरा हमारा जितना है गोस्वामी दिया, गोस्वामी का धन तो सब चला गया, बहुत दुखी हुआ, लेकिन श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम ठाकुर को उत्तर बंग में श्यामानंद प्रभु को उड़ीसा देश में उधर और भेज दिया, स्वयं वहाँ रह गया श्रीनिवास आचार्य, मैं यहाँ पर जब तक नहीं मिले यहाँ रहूँगा, वहाँ रहा। उसका बाद वहाँ का आदमी बोला जो हम लोग का देखिए हम लोग का ऐसे संदेह है कोई राजा ही दिया,
राजा लिया। हाँ, तो वो राजा भागवत पाठ सुन, ये शाम को भागवत पाठ होता है। अच्छा ठीक है, तू जान जिनका घर पर रहा श्रीनिवास राज्य एकदम चैतन्य महाप्रभु का उनका सूरत है, ऐसा अभिन्न चैतन्य चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास नाम रखा, देखने से सब आश्चर्य हो जाते। तो श्रीनिवास आचार्य वहाँ जाके पहुँचा, उनके दीघा कृति गौरकांति विराट पुरुष को देख के सब आश्चर्य हो गया, वहाँ श्रद्धा रूप से बैठ गया। वो वीराम भी राजा देखता है क्या कौन है, बैठ गया। वो भागवत पाठ करता है, पाठ में प्रसिद्ध भक्ति सिद्धांत विरुद्ध कुछ बोल दिया, आह करके चिल्ला। तो महाराज कहते आप आह किसने चिल्ला है, किसने चिल्ला है, मैं ये भागवत पाठ व्याख्या किया तो ठीक ही नहीं गया, फिर सिद्धांत में इसलिए मरा हुआ। तो आप भागवत पाठ करेंगे, करने से अच्छा है, हाँ हाँ करेंगे बात करेंगे, इच्छा है जो उनका भीतर में जो वस्तु है कि नहीं मालूम करने के लिए, तो उनको देख के आकर्षण हो गया। तब तो उसके बाद अच्छा आपसे हम भागवत सुनेंगे। और नरोत्तम ठाकुर समरंद को कीर्तन से ही विचार किया, सिंगर कीर्तन और पाठ दोनों। तो वही भागवत पाठ सुनते सुनते वो लोग का दिल बदल गया, विराम विराजा का उनका घर का सब बदल गया, बदल गया, जगह जगह सब शिष्य बन गया। एवं वही स्थान का एकदम वृंदावन बना दिया, राधा कुंड श्याम कुंड कितना कुछ जितना है सब। लेकिन इतना दिन रहने से भी कुछ मिला नहीं, तो अब बहुत दुख हुआ, दरवाजा नहीं खुल के भीतर में रो रहा है। तो थोड़ा एक तो वहाँ पर सुराग था, सुराग उसका अंदर से राजा देखता है जो क्या होता है, गुरु जी कितने न्याय देखो, गुरु जी रो रहा है, संपनाश हम लोग का सेवा में गलत हुआ, संपनाश हुआ, संपनाश हुआ। जब दरवाजा खुला उनके चरण में गिर गया, गिर गया, रोने लगा, आपका आपको सेवा हम लोग नहीं कर सकते, ये मैं बहुत। तब कहते जब मेरा तो मृत्यु अच्छा है, तब सारी बात कहा ऐसा हमारा है, वो हमारे यहाँ पर एक है वो देखा है, वो ही तो है, अरे कौन है, वो देख लिया, देख के सबको खबर दे दिया जो मिल गया। वो नरोत्तम ठाकुर उत्तर बंद करके एकदम चला गया वहाँ पर मणिपुर तक, मणिपुर तक, मणिपुर का प्राय 90% 95% अभी तो थोड़ा कमती हो गया, सबको वैष्णव कर दिया सिर्फ कीर्तन से, ऐसा कीर्तन करते थे ना तो कीर्तन से सब। और वो लोग का कीर्तन पार्टी आया था, वो लोग का अक्षर बांग्ला है लेकिन भाषा एकदम बिल्कुल अलग है, हम लोग समझ में नहीं आता है। लेकिन बांग्ला वो लोग बांग्ला कीर्तन करते हैं, जब आते हैं ना वृंदावन में मणिपुर का, वो लोग तिलक करता है और ये सब कीर्तन करते हैं, नरोत्तम ठाकुर का कीर्तन करेगा, अगरतला में आया था बहुत कीर्तन किया, ऐसा संस्कार है उनका, ऐसा मणिपुर में ऐसा। वही आज नरोत्तम ठाकुर का तिरुभाव तिथि है बहुत, और इसका अंदर में और बात है जो बात कहने से सारा समय चला जाएगा, इसलिए थोड़ा बोल देते हैं। नरोत्तम ठाकुर के पास बहुत ब्राह्मण लोग भी शिष्य हुआ, ब्राह्मण लोग वो देवी पूजा करते, देवी पूजा के लिए बकरी को बलि देते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, तो उनका लड़का को भेजा जो अच्छा बकरी ले आओ, वो लड़का जाके अच्छा बकरी लेके जो आ रहा है रास्ता में नरोत्तम ठाकुर के साथ दर्शन हुआ, जब बात से मालूम हुआ ये बकरी किस लिए ले जाए, तब कहते ये ठीक नहीं है, जीव हिंसा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होगा, भगवान की उपासना करना चाहिए,
मनुष्य जन्म हुआ भगवान का भजन करने के लिए, कोई जीव को हिंसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बहुत समझाया, समझाते उनका दिल बदल गया, तो खरीद लिया, क्या करें, उनको छोड़ दिया। छोड़ दे फिर उनका दीक्षा, उनसे मंत्र ले लिया, तो वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण है उनका बहुत गुस्सा हुआ, ये क्या है, ये हमको हमारा पूजा बंद कर दिया, हमारा यज्ञ का जो ये है उसको भी एकदम छुड़ा दिया, ये क्या कर दिया। तो बाद में क्या किया, गंगाराम चक्रवर्ती रामचंद्र के ऐसा है रामकृष्ण भट्टाचार्य, यही सब शिष्य हो गया। अभी वो लोग एक दिग्विजय पंडित, रूपनारायण का दिग्विजय पंडित, राजा वहां का राजा, यही सब ब्राह्मण लोग सब शिष्य हो रहा है, उनको बंद करने पड़ेगा, उनको तर्क में परास्त करने पड़ेगा। सब ब्राह्मण लोग आ गया वहां पर, आगे एक कुमार, कुमार बोल के एक जगह है, वो स्थान पर वो लोग थोड़ा रोकेगा, रात को रोक के नरोत्तम ठाकुर के पास जाएगा। एक गंगाराम चक्रवर्ती और रामकृष्ण भट्टाचार्य वो लोग को जब सुना, वो शिष्य बन गया ना, गुरु जी के पास जाने के लिए हम नहीं देंगे, इस स्थान पर ही हम लोग रहेंगे। एक पान सुपारी का, उन लोग खाने को आएगा ना, पान सुपारी का दुकान किया, एक मिट्टी का पात्र का दुकान किया, अब सर वो मिट्टी का पात्र लेके उनसे रसोई करेगा, ब्राह्मण है। जब वो लोग जाते हैं वहाँ, तो वो संस्कृत बात करता है, पंता मुले संस्कृत बात किया, एक तो पान सुपारी बेचने वाला है, इतना संस्कृत बात करता है। तो उधर में वो गया मिट्टी का पात्र लेने के लिए, वो भी संस्कृत बात कर रहा है, किसका है, नरोत्तम ठाकुर का शिष्य है। तो वो लोग आया विचार लेके, पहले देखो क्या विचार है, ऐसा उनके सारा विचार को खंडन कर दिया। तब कहते, तो राजा कहते, देखो तुम लोग उनका शिष्य का पास हार गया, और वहां जाने का जरूरत, भागो भाग गया सब, हार वहां गया नहीं, वही नरोत्तम ठाकुर का तिरुहाप तिथि है, और वही हम लोग का पूर्व गुरु, और जो शिव मंजुरी पद कहते गुरु जी सर्वस्व है, शिव मंजुरी पद सही मोर, सही मोर भजन पूजन, सही मोर प्राणधन, सही मोर आभरण, सही मोर जीवन जीवन इत्यादि, सब गुरु ही सर्वस्व है। एक कीर्तन भी थोड़ा होना चाहिए, होगा जो कुछ है। नरोत्तम ठाकुर के पाप पद्म में अनंत गुरु साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। जानकर नहीं जानकर कितना अपराध किया, कोई अपराध समर्थना करे, उनको तो साक्षात दर्शन नहीं हुआ, उनका ही अभिन्न स्वरूप हमारा गुरु जी को देखा, गुरु जी का कितना गुरु जी के कारण में अपराध किया, साक्षात नरोत्तम ठाकुर का अभिन्न स्वरूप है। आज इस तिथि में गुरुदेव का पाद पद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है, जानकर नहीं जानकर जब कोई अपराध किया, तो वही अपराध मार्जना करने के लिए, उनकी पाद पद्म सेवा प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। Yeah.
I'm not.